हेलो फ्रेंड्स, मैं टोनी। आज बनाऊंगी स्पाइसी पोटैटो सैंडविच। स्पाइसी पोटैटो सैंडविच बनाना बहुत ईजी है, खाने में बहुत टेस्ट लगती है। यह बच्चों को सभी को बहुत पसंद आती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो स्पाइसी पोटैटो सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। स्पाइसी पोटैटो सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 ब्रेड लिए हैं। आप व्हाइट या ब्राउन कोई भी कैसे भी ब्रेड आप यूज कर सकती हैं। इसमें 3 उबले हुए आलू, 2 टमाटर जिनको मैंने गोल गोल टुकड़ों में ऐसे काट लिया है, 2 प्याज जिनको मैंने ऐसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया है, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ी सी धनिए की पत्तियाँ, 1 तिहाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 तिहाई चम्मच काला नमक, 1 तिहाई चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच टमाटो सॉस, 2 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें हम आलूओं को हाथ से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो आलूओं को ग्रेट भी कर सकती हैं। आलूओं को मैश करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 तिहाई चम्मच चाट मसाला, 1 तिहाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 तिहाई चम्मच काला नमक और ये धनिया की पत्तियाँ। इन सभी चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्टफिंग बनके रेडी है। अब हम क्या करेंगे, 2 ब्रेड लेंगे, 1 ब्रेड की साइड से हम ग्रीन चिल्ली सॉस लगा लेते हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए सैंडविच बना रही हैं तो आप ग्रीन चिल्ली सॉस को स्किप भी कर सकते हैं। आप तो दोनों साइड में टमाटो सॉस ही लगाएं। और एक साइड से हम टमाटो सॉस लगा लेते हैं। अब हम इस पर आलू की स्टफिंग डालेंगे। एक लेयर पूरे ब्रेड पे अच्छे से फैला देंगे इस तरह से। इस तरह से फैलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम 2 प्याज लगा देंगे, 2 टमाटर के टुकड़े लगा देंगे इस तरह से, और इसको हम ऊपर से दूसरा ब्रेड लगा देंगे और इसको हाथ से थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी सैंडविच बना के तैयार कर लेते हैं। ये हमारे दोनों सैंडविच बनके रेडी हैं। अब हम इनको सेक लेते हैं। मैंने गैस ऑन करके तवा को गर्म करने के लिए रख दिया है। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस पर बटर लगा देते हैं। बटर लगाने के बाद इस पर हम ये सैंडविच रख देते हैं और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको ऐसे ही सिकने देंगे। 1 मिनट के बाद इसमें हम ऊपर से भी बटर लगा देंगे। 1 मिनट के बाद नीचे से हम इसको पलट देते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा नीचे से हमारा सैंडविच सिक गया है। इसी तरह से हम 1 मिनट इसको नीचे से भी सेक लेते हैं। ये सैंडविच हमारी अच्छे से दोनों साइड से सिक चुकी है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसी तरह से हम दूसरी सैंडविच भी सेक लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे और ये सैंडविच लगा देंगे। इसको भी ऐसे ही हम सेक लेंगे पलट पलट के दोनों साइड से। ये हमारे दोनों सैंडविच बनके रेडी हैं। अब मैं आपको एक सैंडविच कट करके दिखाऊंगी इस तरह से बीच में से चाकू की सहायता से। आप इसको कट कर लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी सैंडविच बनी है।
तो आपने देखा इसको बनाना कितना चाहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।